हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हो रही है और मुझे दो दो केक के ऑर्डर हैं। और लाइव क्लास में अगर मैं दोनों स्पॉन्जेस बनाऊंगी तो काफ़ी देर हो जाती है, और स्पॉन्जेस बेक होंगे, आइसिंग करूंगी तो ऑर्डर का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा एक स्पॉन्ज को अभी मॉर्निंग में बना लेती हूँ, सो दैट मैं जब तक दूसरा स्पॉन्ज रखूँगी इसकी आइसिंग और डेकोरेशन कर सकूँ। तो इस चैनल पर आप सभी को पता है मैं अपनी डे टू डे लाइफ व्लॉग वगैरह शूट करती रहती हूँ, और आप मेरे पीछे कुछ नया सा चेंज देख रहे होंगे। दरअसल ये मैंने अभी थोड़ा चेंजिंग की है, यहाँ पर ये दोनों सेट किए हैं, और यहाँ पर जो साइड में आपको दिखता था वो लॉन्ग में दिख रहा है, तो ये भी सब कवर हो गया है। क्योंकि भाई जब कुछ करने जाते हैं तो चीज़ का सेटअप भी अच्छे से होना चाहिए। तो खैर ये तो चलता रहता है और लाइव क्लास में आपको सब कुछ बताती रहती हूँ। तो मैंने सोचा एक स्पॉन्ज बना रही हूँ अपने होममेड प्रीमिक्स से, तो उसकी प्रोसेस आपको बता दूं। इस प्रीमिक्स को कैसे मैंने बनाया है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो तारा मधु की रसोई पर, साथ ही आप मेरे लाइव क्लासेस में भी देख सकते हो। बहुत से लाइव क्लासेस मेरे अभी भी पब्लिक हैं, तो आप उन पे आराम से देखिए। तो यहाँ पर मैं हाफ के जी केक के लिए स्पॉन्ज बना रही हूँ अभी, और मैं यूज़ कर रही हूँ 5 इंची का बर्तन, और मेरे पास 6 इंची का बर्तन भी रखा हुआ है। दरअसल ये मैं किसी ट्विंस के लिए बना रही हूँ, और मैंने सोचा एक थोड़ा चौड़ा मैं केक बनाती हूँ और एक थोड़ा लॉन्ग में बनाती हूँ। तो ये वाला जो केक होगा वो होगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, क्योंकि थोड़ा टॉल हाइट में दूंगी, और इस पर ना मैं कुछ अलग सी डेकोरेशन करूंगी, समथिंग लाइक विंटेज वाली, आजकल काफी चल भी रही है वो रिबन वाली, आपने देखी होगी। अभी रिबन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं थोड़ी वैसी ही लुक दूंगी। तो इस केक के लिए प्रीमिक्स जो हमेशा हमें लेना होता है वो होता है लगभग 1.5 कप, मतलब कि ग्राम्स में अगर देखो तो 180 ग्राम्स, और कप में देखो तो ये 250 ml का कप है, ये करीब 1.5 कप, मतलब 1.5 आपको लेना होता है। ठीक, तो ये मैंने 1.5 कप यहाँ पर अपना प्रीमिक्स ले लिया है। तो कभी कभी क्या होता है, हम होम बेकर्स पर इतना सारा काम एक साथ आता है कि भाई मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब नापेंगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब आप बोलोगे मैम कहाँ गायब हो गई, तो मैं लेने गई थी ऑयल, और क्योंकि ये मेरे प्रीमिक्स घर का बना हुआ है, मतलब मार्केट का नहीं है, तो इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून ऑयल। लेकिन अगर ये प्रीमिक्स आप मार्केट का ले रहे हो तो ऑयल की क्वांटिटी एकदम आधी हो जाएगी, करीब मान के चलिए 1/2 टेबल स्पून। तो ये फर्क जो है वो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। मुझे यहाँ पर अंदाज है तो मैं 3 टेबल स्पून ऐसे ही डाल लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना बार बार अभ्यास करने से प्रैक्टिस हो जाती है, तो वही मान के चलो ऑयल डाल दिया है। पानी डाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आइडिया से डालती हूँ मैं, मेजरमेंट के साथ, तो आप पूरे चैनल पर मेरे आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल और केवल आइडिया से डाल रही हूँ। और अभी ना मैंने कुछ अपने पहनने के कपड़े भी मंगवाए हैं, और आप सबको पता है जो मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं कि मैं कहाँ से क्या मंगाती हूँ, तो अभी दिखाऊंगी। पहले स्पॉन्ज को डाल दूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग का टाइम है, और अब मेरे बेटे के भी स्कूल खुल चुके हैं, तो वो गया है स्कूल, और वो होता है ना तो खूब शोर होता है, टीवी चला लेता है, कभी मोबाइल मांगता है, उस समय तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा भाई चलो स्पॉन्ज बना लेती हूँ, और जो सूट का काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, तो 11 बजे तक मैं स्पॉन्ज को रखूंगी, तो आराम से मेरी लाइव क्लास के लिए रेडी हो जाएगा। और फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे लगभग 1 बजे सेटअप रेडी करना होता है, तो देखिएगा लाइव क्लास आज की भी। अभी मुझे पता नहीं ये वाला वीडियो आप कब देखोगे, तो कब आपको वो क्लास मिलेगी। अच्छा, ऑयल पानी डाल दिया है, अब क्योंकि ये है मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी का ना पेपिलॉन का एमल्शन है, मैं वो इसमें डाल रही हूं, और इस एमल्शन में ना कलर भी है, स्ट्रॉबेरी लिखा है आप देख सकते हो, और एमल्शन जो होते हैं ना उनका यही फायदा होता है कि इनमें कलर भी होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं मैम एमल्शन और एसेंस में क्या फर्क है, या एसेंस और फ्लेवर में क्या फर्क है। देखो एसेंस और फ्लेवर ऑलमोस्ट सेम चीज होती है, क्यों, क्योंकि कुछ अच्छी क्वालिटी के एसेंस थोड़े शार्प होते हैं, सूंघ के देखो तो अगर वो शार्प है तो 1-2 ड्रॉप डालो, अगर वो लिक्विड बेस है एकदम पानी की तरह बड़ी बड़ी बॉटल में आता है तो आप क्या करो थोड़ा ज्यादा डालो। बट मैं आपको कहूंगी कि आप एसेंस यूज करो बजाय फ्लेवर के, फ्लेवर पानी के बेस होते हैं, कभी कभी अगर कम रह गया फ्लेवर तो फिर अगर केक स्क्रैच से बनाया है तो मैदे की स्मेल आती है, ठीक है, तो वो ना आवे इसलिए आप एसेंस यूज करो पहली चीज।
दूसरी चीज, आप अगर बैटर में एमल्शन यूज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि एमल्शन से ना, जैसे इसमें देखो कितना प्यारा पिंक सा कलर आ गया, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का एमल्शन है। सेम मैं भी आपको दिखा दूंगी, मेरे पास पाइनएप्पल का भी है, स्ट्रॉबेरी का, पाइनएप्पल का, बटर स्कॉच का भी एमल्शन आता है, उसमें हल्का येलो कलर आता है। तो इस तरीके से अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रयोग में ना सब कुछ पहले से ही डाला हुआ था, और केवल स्पॉन्ज को मैं डायरेक्ट अपने टिन में ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, अब इसकी आइसिंग डेकोरेशन आप मेरे चैनल के लाइव क्लास में देखना, और आज वो लाइव होगा, और मुझे ये नहीं मालूम ये वीडियो आपको कब मिलेगी। तो ये मैं पूरा इसमें डाल देती हूँ डेकोरेशन करके, वो बनेगा हाफ के जी का। ठीक, तो बैटर डालने के बाद ना कभी भी आप इस तरीके से ना स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना, बड़े बड़े जो बबल्स होंगे ना वो आपके कभी भी बैटर में नहीं बनेंगे, और जो छोटे छोटे बबल्स हैं वो तो आने ही चाहिए, देखो नहीं तो केक का स्पॉन्ज ठीक नहीं रहेगा। तो अभी मैं इसे डाल देती हूँ ओटीजी में, और मैंने जो मंगाया है वो दिखाती हूँ। चलिए जी फ्रेंड्स, तो केक रख दिया है मैंने बेक होने के लिए, और अब मैं दिखाती हूँ अपना सामान जो मैंने मंगवाया है कहाँ से। आप सभी जानते हैं मैं अपने जितने भी ये जो मैं पहनती हूँ कपड़े अपनी लाइव क्लासेस में, और डेली जो भी आजकल पहन रही हूँ रिसेंटली, वो सब मैं देसी उसे मंगा रही हूँ। क्योंकि आप सोच सकते हो 2 बजे अगर मेरी लाइव क्लास है तो 1 बजे मुझे प्रिपरेशन करनी होती है, और बींग अ हाउस वाइफ मुझे घर का किचन भी देखना होता है, तो मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकती, और लाइव क्लास खींचते खींचते 6:30 तक हो जाती है फ्रेंड्स। यू डोंट बिलीव कि 6:30-7 बज जाता है, और एकदम यहाँ से लाइव क्लास के बाद खाना बनाना काफ़ी हेक्टिक होता है, तो उसके बाद भी आप सोच सकते हो मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है। एंड अभी रिसेंटली 1 मंथ में एक भी ब्रेक मैंने नहीं लिया है, मतलब लाइव क्लासेस 3-3.5 महीने से चल रही हैं, हार्डली मैंने 2 या 3 दिन की कोई छुट्टी ली होगी, वो भी मैंने अपने से नहीं, नेटवर्क का कुछ इशू रहा होगा या कोई बहुत ही अर्जेंट चीज़ आई होगी तब छोड़ी होगी, 2 या 3 दिन हार्डली। और मैं डेली ही आई हूँ, तो आप सोच सकते हैं अगर मैं डेली लाइव क्लास में दिन के 5 घंटे यहाँ स्पेंड कर रही हूँ जिसमें 2 घंटे प्रिपरेशन में जाता है, तो मैं मार्केट तो क्या ही जाऊँगी। तो मैं अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ, भले ही वो बेकिंग की हो, भले ही वो कपड़ों की हो, भले ही वो यूटेंसिल्स की हो, भले ही वो अपने सामान की या जरूरत की जो भी चीज़ हो। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बेटा जो था अभी उसकी बर्थडे थी 11th of July को, मैंने उसका ब्लॉग भी शेयर किया था, उसको साइकिल चाहिए थी, और हमारे थोड़ी सी दूर घर पर डेकाथलॉन है और बहुत सारे और भी शॉप्स हैं साइकिल के, बट बार बार जाना उसको देख के लाना ये सब के चक्कर में हमने साइकिल भी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो वैसे तो वो प्रॉफिटेबल ही रहा, क्योंकि मार्केट के रेट्स और ऑनलाइन के रेट्स में आजकल जमीन और आसमान का फर्क है। आप अगर यकीन नहीं करते हो ना तो एक बार ट्राई करके देख लेना। तो ये 3 आउटफिट मैंने फिर से नए मंगाए हैं, एक एक करके दिखाती हूँ, और अभी टाइम है तो कोशिश करूंगी इनकी लुक भी आपको आज ही वीडियो में दिखाऊं। तो ये जो पहला वाला सूट है ये बहुत ही प्यारा है, पिंक भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है, लेवेंडर टाइप है, और मुझे ना इस तरीके के गले जो होते हैं ना नेक बहुत पसंद आते हैं। रीजन इसका, मैं लाइव क्लास के दौरान कभी कभी ऐसे भी काम कर रही होती हूँ, ट्राईपॉड को पकड़ रही होती हूँ, तो बींग अ लेडी आप समझ सकते हैं। तो ये नेक में ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने दुपट्टा लिया है या नहीं लिया है। देखिए ये कुर्ता कितना प्यारा है, ठीक है पास से भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए हाथ पर कितनी प्यारी सी लेस है ये देखो, और नीचे की तरफ बिल्कुल इजी, ठीक है। और इसके संग जो पैंट है वो टोटली वाइट है, तो अगर आपके पास कोई और कुर्ती है ना आप उस पर भी इसे मैच कर सकते हो, नीचे बॉर्डर भी नहीं है ना, तो ये किसी पे भी चल जाएगी। प्यारा सा देखिए शिफॉन का ये दुपट्टा है, और इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कितने का है वो सब कुछ, ताकि ना ये पूरा कंप्लीट आपको लुक मिल जाए और आपको इससे परेशान होने की जरूरत ना पड़े। लेवेंडर कॉलर ऑफ द सीजन, लेवेंडर कॉटन सूट फीचरिंग अ चाइनीज कॉलर, ये जो कॉलर है इसे चाइनीज कॉलर बोलते हैं, विद क्रोचेट लेस, मैंने दिखाया ना क्रोचेट की लेस है इस पर, डिटेलिंग कैजुअल एंड ऑफिस वियर, आप ऑफिस में भी पहन सकते हो उस हिसाब से, वेरी कंफर्टेबल पैंट्स कॉटन है, दिखाया मैंने व्हाइट कलर में, एंड हैंड डाई शिफॉन का ये दुपट्टा, ये दुपट्टा जो है वो हैंड से डाई किया हुआ है, ठीक है। और ये साइजेस में कितने में मिलेगा आपको, मीडियम से लेकर 3XL तक, और इसमें 2 कलर ऑप्शन है, एक तो भाई ये लेवेंडर है, दूसरा आप देसी यू की साइट पर जाकर के देख सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला, और दूसरा ना
बहुत ही सुंदर है। इसका ना मैंने एक और कॉर्ड सेट मंगाया था, वो आप सबको इतना पसंद आया कि मुझसे रहा नहीं गया। तो इसमें एक कलर और था ब्लैक, वो मैंने अभी नहीं मंगाया। मैंने सोचा ये पिंकी पिंकी बहुत अच्छा लगता है, ये मंगा लेती। और ये भी देखो कॉलर वाला ही है ना, कॉर्ड सेट है लॉन्ग में। छोटे वाले कॉर्ड सेट को देख करके तो सब लोग बोल देते हैं आजकल ये नाइट सूट तो नहीं है। और ये है हमारा कॉर्ड सेट, इसकी भी डिटेल बताती हूँ आपको। ये है हमारा कॉर्ड सेट कॉलर कुर्ता, प्रिंसेस कट है ए लाइन में। अच्छा ये ए लाइन में ही है प्रॉपर, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है ए लाइन की, ट्राई करके देखना। और स्लीव्स में रोल ऑन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये यहाँ पर नहीं जो फंसती ना, रोल ऑन स्लीव्स। और पैंट नैरो कट स्लिम फिट है, साइज इसमें आपको मीडियम टू 4XL में मिलेगा। और इसमें दो प्रिंट अवेलेबल हैं क्योंकि ब्लैक वाला जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। इसमें ये कलर है और एक जो दूसरा मैंने पहना था वो है। प्राइस इसका है 699, मतलब कि 699 में आपको आराम से मिलेगा, फ्री शिपिंग। आप सबको मालूम है देसी यू फ्री शिपिंग देता है। और इसका प्राइस शायद मैंने नहीं बताया आपको, मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। ये इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 799 है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट में ही मिल जाएगा 699 में, वो भी फ्री शिपिंग। मतलब फ्री शिपिंग में फुल सूट विद पैंट एंड विद दुपट्टा। और अभी चल रहा है सावन, और आप सबको पता है कि लहरिया और बंदेज काफी सीजन में है। तो ये मैंने एक गाउन मंगाया है, ये देखिए पूरा लेंथ देखिए, और प्यारा सा कलर है। इसकी डिटेल बता देती हूँ, इसकी जो डिटेल है, अंगरखा नेक स्टाइल है इसका, लहरिया गाउन है, गोटा पट्टी हैंडवर्क है, ये देखो गोटा पट्टी, और वो भी हाथ से लगा हुआ है तो जल्दी निकलेगा नहीं। विद टसल डोरी है इस पर, ये रही टसल वाली डोरी, अंगरखा में सबसे सुंदर लगती है, ठीक है। और कॉटन स्लब फैब्रिक है ये, ओरिजिनल प्राइस इसका 699 है, लेकिन अभी डिस्काउंट में ये 550 का आपको मिल जाएगा फ्री शिपिंग, ठीक है। 550 में लहरिया गाउन, घर में पहनो, बाहर पहनो, कहीं भी पहनो, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइम है, इन तीनों को पहन करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा रेडी होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो होना पड़ता ही है। तो आज अपने बालों को थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ हमेशा की तरह अपना अगारो का ये हेयर वॉल्यूमाइजर एंड ड्रायर। तो अगर आपके बाल हल्के गीले हैं तो ये ड्राई करके उनको स्टाइल कर देगा। अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं तो हल्का सा कॉम करने के स्टाइल से ही ये आपके बालों को थोड़ा स्टाइल कर देगा, आपके बालों में वॉल्यूम दे देगा। और अगर आपके बाल ऑयली हो रहे हैं ना, तब भी फ्रेंड्स मैंने देखा ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, मतलब लुक ना एकदम चेंज कर देता है। तो अभी आप देख सकते हैं बाल कैसे थे, और जस्ट मैं आगे आगे कॉम कर रही हूँ इससे, और बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। और इसको ना फ्रेंड्स यूज़ करना भी काफ़ी आसान है, इसकी जो वायर है ना वो 360 डिग्री रोटेट होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, इसके अंदर तीन हीट के सेटिंग्स हैं, लो, मीडियम और हाई, तो अपने बालों के अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं। साथ में स्पीड के भी दो सेटिंग्स हैं, तो वो भी आप अपने बालों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो कुछ देर पहले क्या था और क्या हो गया, तो जरूर से जरूर आप भी इसे परचेज कीजिए फ्रेंड्स। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके क्लिक कीजिए और इसे घर ले आइए। तो इसको यूज करके फ्रेंड्स मैंने अपने आउटफिट पहन लिए हैं। ये पहला वाला लेवेंडर शेड का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और रेगुलरली इन्हें मैं कैसे पहनती हूँ और ये कितने कंफर्ट देते हैं वो तो आप मेरी लाइव क्लासेस में देख ही सकते हैं। देखिए कितना प्यारा पिंक और लेवेंडर शेड का कॉम्बिनेशन है, और अच्छा इसका कॉलर है। सबसे अच्छी बात, इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी सुंदर मुझे लगी। और ये है फ्रेंड्स हमारा दूसरा कॉर्ड सेट, जो कि लॉन्ग वाला है। शॉर्ट कॉर्ड सेट जो है टॉल हेंथ पर अच्छे नहीं लगते, बट ये वाला बिल्कुल ईजी टू हैंडल, ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू वेयर है। आप देख सकते हो विदाउट दुपट्टा भी काफ़ी स्टाइलिश और क्लासी लुक ये दे रहा है। और तीसरा है फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही बढ़िया सावन स्पेशल लहरिया गाउन। तो इसे भी आप बाहर जाने में या कोई छोटी मोटी गैदरिंग में आप जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, सावन के महीने में ये सब पहनते हैं तो शुभ भी होता है और मन में एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि भाई हमने लहरिया पहना है। इसे भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत गर्मी है भाई। तो फ्रेंड्स तीनों पहन के आपको दिखा दिए हैं, अब इन तीनों को आपको अगर लेना है, कोई एक लेना है, दो लेना है, जो भी लेना है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक हमने ऐसा बनाया है, ऐसा जनरेट किया है, मतलब देसी उन्हें, कि आप उसको क्लिक करोगे ना आप उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे
और ऑटोमेटिकली मेरा रेफरेंस उस मैसेज से चला जाएगा, तो श्रद्धा जी जो कि देसी यू की को फाउंडर है उनको पता लग जाएगा कि ये मेरे थ्रू आप आ रहे हो, तो जो भी इसमें फिजिबल डिस्काउंट होगा वो आपको खुद दे देंगे और शिपिंग तो सभी के लिए फ्री है। तो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रही है, फायदा उठा लो। और वो ना अपने चैनल पर लाइव भी करती हैं और लाइव में ना बहुत सारे ना ऑफर्स निकालती हैं, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ना देख लेना एक बार, क्योंकि लाइव क्लास का ना नोटिफिकेशन पता नहीं लगता कई बार, तो बेल बटन दबा लेना, तो जब भी लाइव आएंगी आप उसमें ज्वाइन होकर के जो भी उस दिन के बेनिफिट्स हैं आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं और मुझे मेरे लाइव क्लास में बताते हैं कि मैम जो आपने येलो पहना है ना वो हमने भी मंगाया, जो आपने ये वाला पहना ना वो हमने भी मंगाया, तो अच्छा लगता है, ट्यूनिंग लगती है। और वो फोटोग्राफ भेजते हैं ना मुझे मेरे नंबर पर, बड़ा अच्छा लगता है, तो मैचिंग मैचिंग हो जाती है और पहनने में ना सच में बहुत कंफर्टेबल है। आप खुद देखते हो मैं डेली पहने रहती हूँ, इतनी गर्मी में भी काम करती हूँ, तो जिस ईज से मैं काम कर रही हूँ आप भी कर सकते हो। और हम होम बेकर्स के पास ना सबसे ज्यादा जो चीज की कमी होती है वो होती है टाइम की, तो अपना समय बचाएं और सही तरीके से अपनी शॉपिंग करें। आज के लिए इतना ही, स्पॉन्ज को बेक होकर के क्या डेकोरेशन की वो आप मेरी लाइव क्लास में देखिएगा। और मैं जल्दी जल्दी इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि मुझे तैयारी करनी है अपनी लाइव क्लास की। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना ताकि और लोग भी बेनिफिट उठा सकें। और भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालती हूँ आपको मिल जाए। वैसे मैं एक दो दिन के अंदर डालती रहती हूँ, जो भी जैसा भी होता है सब आपके लिए, और आप उसे पसंद भी करते हो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग, कीप बेकिंग एंड कीप शॉपिंग।